जय हिंद प्यारे प्यारे बच्चों। कल हमने हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय की कुछ पंक्तियों का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में उसके आगे की पंक्तियों को हम लेकर चलेंगे। ये पंक्तियां इस प्रकार हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि वह अपने उद्गारों और सपनों को अपने जीवन में शामिल करना चाह रहा है, सभी को अपने उद्गार से अपने भावों से परिचित कराना चाह रहा है। कवि कह रहा है मैं निज मने अपना, निज का अर्थ होता है अपना, और इसी तरह उद्गार, उद्गार का अर्थ है भाव। तो कभी कहना चाह रहा है कि मैं अपने उर्मने, उर का अर्थ है हृदय, तो मैं अपने हृदय के समस्त भावों को अपने साथ लिए घूमता हूँ। मेरे हृदय अर्थात मेरे हृदय की वाणी को मैं हर प्रकार से व्यक्त करना चाहता हूँ, अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। फिर मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ कि मेरे हृदय में जो भी उपहार हैं, भावनाएं हैं, वह सबको मैं देना चाहता हूँ। उपहार के रूप में अपनी भावनाओं से परिचित कराकर उन्हें प्रदान करना चाहता हूँ। और उपहार वो कैसे हैं, स्नेह रूपी उपहार, जो उसके मन में सबके प्रति स्नेह है वो उसके उपहार है। तो वो सबको स्नेह रूपी उपहार देना चाहता है जो कि कवि के उर में, हृदय में समाया हुआ है सारे संसार के लोगों के प्रति। फिर आगे कवि कह रहा है यह अपूर संसार न मुझको भाता, वो पूरे संसार को कैसा बता रहा है, अपूर्ण, यानी कि वो पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण। भाता, भाना अच्छा लगना, पसंद होना, और यहाँ पर बात क्या की जा रही है, न मुझको भाता, यानी कि मुझको अच्छा नहीं लगता क्या ये संसार। क्यों अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि उसे संसार में ये लगता है कि यहाँ संसार में प्रेम का अभाव है, संसार के लोग जो हैं छल कपट से, स्वार्थपरता से युक्त हैं, तो वो उस ऐसे संसार को वो अपूर्ण मानता है और उसको पसंद नहीं करता है, तभी कहता है कि ये संसार मुझको अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, सपना, उसने सपने में एक अलग ही संसार की कल्पना की हुई है जो कि बहुत अच्छा है, जिसमें सभी संसार के लोग बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के लिए कार्य करने और परोपकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो एक ऐसे संसार की कल्पना किए हुए है और ऐसे सपनों के संसार को लेकर वो घूम रहा है जिसमें सभी बहुत अच्छे हों, एक दूसरे के लिए सहयोगी हों, और वो सबके प्रेम की आशाएं और इच्छाएं जिसमें हैं उसमें वो सब प्रेम और आशाओं को पूर्ण करने वाली बात करता है। फिर आगे की पंक्तियां देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। आगे कवि कह रहा है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ कि मैंने अपने हृदय में प्रेम की एक आग जलाए रखी है और उसको जलाए रहता हूँ और निरंतर खुद ही उस आग में जला करता हूँ। वह संसार, वह सुख और दुख में एक समान रहने की बात कर रहा है, हैं? सुख और दुख में एक साथ रहना, चाहे सुख की परिस्थितियां हो या दुख की परिस्थितियां, सुख आए या दुख आए, दोनों में वह सहज रहना पसंद करता है। सुख में न ज्यादा सुखी हो महसूस करना चाहता है, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहता है, और दुख में बहुत अधिक दुख नहीं महसूस करना चाहता है। कहता है कि मैं सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान भाव से रहना पसंद करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जो ये संसार है, संसार के जो लोग हैं वो भव सागर, भव सागर मतलब भव माने संसार, संसार रूपी सागर,
संसार रूपी सागर को तरने, तरने का अर्थ है पार करने, तो पार करने के लिए नाव बनाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य कवि का क्या है कि कवि कहना चाहता है कि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपनी जीवन रूपी नौका को इस संसार सागर की लहरों पर अकुंठ भाव से तैरता बहता रहता हूँ। और जैसे कि लोग किसी भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करके साधन जुटाकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन कभी इस तरह का कुछ भी अपने प्रयोग में लाना नहीं चाहता, वो संसार में ऐसे ही रहना चाहता है। और कहता है कि मैं दुनिया के अन्य लोगों की भांति साधन की अपेक्षा नहीं करता। तात्पर्य यह है कि कभी संसार में रहकर भी अपना एक पृथक अस्तित्व बनाए रखता है। हृदय की अग्नि में जलते रहने का अर्थ यहाँ वही है जो कबीर भी कहते हैं, विरह जलाई में जलाऊं मैं। तो इस तरह से कभी यहाँ कह रहा है कि जो संसार अपने संसार से पार होने के लिए नाव बनाता है, सागर से पार होने के लिए, लेकिन जो भव मौजे हैं संसार में, जो मौजे तरंगे उठती हैं, मैं उसमें तरंगों के साथ ही मस्त होकर बहता हूँ और मस्त होकर बहना चाहता हूँ। यानी कि किसी भी प्रकार के संसाधनों का प्रयोग ना करके मैं ऐसे ही जीवन का यापन कर मस्त रहना चाहता हूँ। तो ये कवि की अपनी ही स्वयं की अपनी मस्ती में मस्त रहने की के विचार हैं, अपने विचार हैं। और अब इसका आप थोड़ा शिल्प सौंदर्य समझ लेंगे, काव्य सौंदर्य समझ लेंगे। इन दोनों पंक्तियों में क्या क्या काव्य सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य है देखेंगे। आपको मालूम है, जैसे कि पहले भी बता दिया था, कि ये कविता की भाषा क्या है, शुद्ध साहित्यिक भाषा, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। कौन सी भाषा है? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। और जो भाषा भावों के अनुरूप सहज सरस एवं प्रभामयी है। कैसी है भाषा? सहज सरस और प्रभावमयी। प्रभावमयी भाषा है। भव सागर भव मौजों में रूपक अलंकार है, क्योंकि भव सागर, भव रूपी सागर, भव मौजों में रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का सौंदर्य है, रूपक अलंकार का प्रयोग है। और अभिव्यक्ति की सरलता से कविता की प्रभावात्मकता में वृद्धि हुई है। आत्मकथात्मक शैली है, आत्म कथात्मक शैली। और इसमें गेयता और लयबद्धता है। गेयता का गुण विद्यमान है और लयबद्धता भी है। इसको बहुत सरलता से, बहुत सुंदर से मधुर कंठ में हम गा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर,
मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियाँ। कभी कह रहे हैं कि वह यौवन के उन्माद को अपने भीतर लिए फिरते हैं, यौवन के उन्माद को अपने भीतर लिए फिरते हैं। यौवन, यौवन से क्या तात्पर्य है? जवानी। क्या अर्थ होगा? यौवन का अर्थ है जवानी, यानी कि जवानी की अवस्था में, जवानी के समय में व्यक्ति के मन में बहुत उन्माद है, मस्ती है। तो वो वही बता रहे हैं कि मैं यौवन में, अपनी जवानी में, उन्माद में बहुत, यानी कि उन्माद बहुत खुश, बहुत ही मस्त रहता हूँ। लेकिन उसके उन्माद में भी अवसाद है, उन्मादों में अवसाद। ध्यान दीजिए, उन्मादों में अवसाद। अवसाद का अर्थ है क्या? अवसाद का अर्थ है दुख, कष्ट, है ना? तो एक तरफ खुश रहने की बात की कि जवानी में वो खुश रहता है, खुद मस्त रहता है, उन्माद में रहता है, और दूसरी तरफ कभी बात कर रहा है कि वो खुशी के साथ साथ वो दुखी भी रहता है, दुखी भी हो जाता है, उसके उन्माद में भी अवसाद है, अर्थात कहीं ना कहीं उसमें किसी गहरे दुख की पीड़ा भी सन्निहित है। कभी किसी ऐसे प्रिय की याद में डूबा हुआ है जो उसे सुख दुखात्मक अनुभूति देती रहती है, है ना? कि उसको सुख भी महसूस होता है और दुख भी। ऐसा कोई उसका प्रिय है जिससे उसने बहुत अधिक प्रेम किया है और उसके प्रेम को भी याद करता है, और साथ ही उस याद के साथ वो दुखी भी हो जाता है। और फिर आगे क्या कहता है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कि कोई प्रिय है जिसकी स्मृति उसको बहुत आती है, याद बहुत आती है, और लोग मतलब बाहर से तो वो सबके सामने हंसता है, मुझको बाहर हंसा, यानी कि बाहर से तो वो हंसता हुआ दिखता है, रुलाती भीतर, भीतर मतलब अंदर से, हृदय से, अंतःकरण से, ना अंतःकरण से, भीतर से वो रोता है उस याद में, अपने प्रिय की याद में वो अंदर ही अंदर तो रोता है, लेकिन बाहर से सबको हंसता हुआ दिखाई देता है। तो कभी कहता है कि वह कहता है कि प्रियतम की याद उसे बाहर बाहर तो हंसाती है, लेकिन भीतर ही भीतर वह रुलाती भी है। स्पष्टतः यहाँ प्रिय से वियोग की स्थिति तथा उससे उत्पन्न करुण और दुखद स्मृति भी है। यही है कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कि ऐसा प्रिय व्यक्ति जो बहुत अधिक प्रिय है, जिसे बहुत अधिक प्रेम किया है, तो उसकी याद को वो लिए घूम रहा है, जिससे जो कि बाहर से तो उसको बहुत प्रसन्न रखती है, वो हंसता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी याद से वो उसके वियोग में दुखी होता है। तो यहाँ पर वियोग हम अगर कहें तो श्रृंगार रस का वियोग पक्ष आ जाएगा, है ना? अच्छा, इसकी बात हम शिल्प सौंदर्य में अलग से ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे की पंक्तियां देखिए। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न ये क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। यहां पर कवि बता रहा है कि संसार में ज्ञानी अज्ञानी सभी हैं, इसी प्रकार सुख दुख भी सभी के साथ रहते हैं। कर यत्न, यत्न माने प्रयत्न, प्रयास, है ना? प्रयत्न, यत्न का तात्पर्य है प्रयत्न से। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, सभी अपने अपने ढंग से यत्न करके हार गए, परंतु सत्य किसी को नहीं समझ में आया कि क्या सत्य है, ये संसार कैसा है, इस संसार की रचना कैसे है, इस सत्य के विषय में किसी ने भी नहीं जाना। और जानने का प्रयास बहुत लोगों ने किया, लेकिन प्रयास करके सब हार गए। नादान वही है जहां पर दाना, कभी कह रहे हैं वही नादान होते हैं जहां पर दाना होते, अर्थात
बुद्धिमान या अक्लमंद होते हैं। जहाँ पर बुद्धिमान होते हैं वहीं पर नादान नासमझ लोग भी होते हैं। कहने का तात्पर्य है, जहाँ सब कुछ उपलब्ध है वहीं खालीपन भी है, रिक्तता का एहसास भी होता है। तो नादान का तात्पर्य कहना चाहिए नासमझ से है, और दानस का तात्पर्य बुद्धिमान से है, कि जहाँ पर नादान है वहाँ बुद्धिमान भी हैं और सब जगह खालीपन नहीं होता, भरा हुआ भी होता है, केवल रिक्तता का एहसास ही नहीं होता। कभी यहाँ संसार के अजीब रवैये और रंग ढंग की बात भी कर रहा है। कैसे? कि वो कह रहा है कि फिर मूड ना, क्या ये जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। वह कहता है कि ऐसी दशा में वह इस दुनिया को नासमझ कैसे ना कहे, जो भ्रमों में उलझी पड़ी है और उनसे मुक्त भी नहीं होना चाहती। इसलिए कभी कहता है कि वह सीखे हुए ज्ञान को भी भूलने की कोशिश कर रहा है। वस्तुतः कभी अपनी पूर्व स्मृतियों से पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि किंचित वह उसे पीड़ा देती हैं, मतलब कि उसे जो याद आती है अपनी प्रिय की, उससे उसे कष्ट की अनुभूति होती है, उसे कष्ट होता है, तो वह उन्हें भूलना भी चाहता है। यहाँ पर भूलना श्रेष्ठ माना गया है, कि अगर कुछ गलत जीवन में हुआ है तो उसको भूलना ही श्रेष्ठतर है। आगे देखते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता। ध्यान दीजिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितना जग रोज मिटाता। जग जिस धरती पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। क्या बात कही है कवि ने, कि संसार से उसका संबंध चिर स्थायी नहीं है, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व संसार के अस्तित्व की तुलना में भिन्न है। इसलिए वह कहता है कि मैं अपने भीतर कितने ही संसार रोज बनाता मिटाता रहता हूँ। वह भौतिक वैभव एवं समृद्धि को ठुकराने की बात करता हुआ कहता है कि दुनिया जिस धरती और पर वैभवशीलता को प्राप्त करने के स्वप्न संजोती है, मैं उस धरती को और उसके वैभव को ठुकराता चलता हूँ। अर्थात कभी भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है ना, वो ये मानता है कि मैं और हूँ, मतलब कि मेरे तो विचार अलग हैं, और जग के संसार के लोगों के जितने भी विचार हैं या जो करने का तरीका है काम, वो सब अलग है। कहाँ का नाता, तो हमारे में कैसा संबंध, नाता मतलब संबंध है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, कभी कहते हैं मैं तो रोज कितने ही जग कितने ही बना के संसार को मिटाता आया हूँ। यहाँ पे कितने ही संसार को मिटाना से तात्पर्य क्या होगा कवि का, तात्पर्य है कि कवि कर्म क्या है, कविता की रचना करना है ना। तो वो बहुत सी कविताएं संसार में, संसार के जीवन में घटित होने वाले पहलुओं पर लिखता है, मिटाता है, लिखता है, मिटाता है। उसी से तात्पर्य है कि वो बहुत ही पहलुओं को, अनछुए पहलुओं को पर भी वो लिखता है और उसको मिटा देता है। और संसार के लोगों के साथ में वो बता रहा है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव यानी कि बहुत अधिक धन संपदा, भौतिकता, तो संसार के लोगों की आदत है वैभव जोड़ने की, हमें वैभवशीलता को प्राप्त करने की। वे सब देखते हैं कि बहुत अधिक भौतिक वैभव से युक्त हों, लेकिन मैं प्रतिपक प्रत्येक पग से हर पग पर, प्रतिपक हर पग पर उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ यानी कि वैभव को ठुकराता हूँ, वैभव को तुच्छ समझता हूँ, उस वैभव मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आता है। यहाँ ये कवि स्पष्ट कर देना चाह रहा है कि सांसारिक लोगों से इतर भावना में कवि अपनी रचनात्मकता से एक भिन्न दुनिया का निर्माण करना चाहता है। स्पष्ट हुआ ना सबको कि कवि इस संसार के लोगों से
अपने आप को पृथक रखता है और संसार के वैभवशाली और भौतिक संपदा से युक्त लोगों को वो महत्व नहीं देता है, उनको ठुकराता है। इसके लिए आप, अब मैं आपको इसका थोड़ा शिल्प सौंदर्य बता दूं, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। ये आपको पता ही है कि इसमें पूरी कविता ये शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली की है और साथ ही इसमें सहज सरस प्रभावमयी भाषा का प्रयोग है और भाषा में क्षेत्रीयता का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। हाँ, आपने देखा कि पंक्तियों में आया उन्मादों में अवसाद है, उन्माद भी है और अवसाद भी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, विरोधाभास। तो हम कहेंगे उन्मादों में अवसाद, अवसाद है दुख, उन्माद है खुशी, तो उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास होने के कारण यहाँ पर कौन सा हो गया, विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार हो गया, ठीक है ना। और इसी तरह से बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी कि एक तरफ तो बाहर हंस रहा है और अंदर रो रहा है, वो भी कैसी स्थिति है, विरोध विरोधाभासी स्थिति है। तो बाहर हंसा रुलाती भीतर, तो ये भी एक विरोधाभासी स्थिति है, ठीक है। मिटे सब सत्य किसी तथा किसी की में अनुप्रास अलंकार है, सब सत्य किसी की, काका वर्ण और सासा वर्ण ना के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है, अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है, अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण की आवृत्ति के कारण। कथन शैली और आत्मा व्यक्ति परक है, यानी कि आत्मकथात्मक शैली, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये कविता ये सब पंक्तियाँ आत्मकथात्मक शैली में हैं, ठीक है। इसके आगे की पंक्तियों का काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। आगे की पंक्तियों में, यानी कि इसमें खड़ी बोली तो है ही और साथ ही भाषा में क्षेत्रीयता का भी प्रभाव है, और भी ध्यान देना है, और कहा है ना कभी ने, मैं और जग और कहाँ का नाता, और शब्द तीन बार भिन्न भिन्न अर्थ संदर्भों में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर और में क्या है, भिन्न भिन्न यानि कि अलग अलग अर्थ हैं और के, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ उसका अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर और शब्द कई बार हैं और उनका हर बार अर्थ अलग है, कि मैं और जग और, तो एक और संयुक्त वाचक है और एक और शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे की पंक्तियों का अर्थ और काव्य सौंदर्य और पूरी कविता से संबंधित प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न, ये सभी हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से समझें, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मेरी सभी चीज़ें रहेंगी, जो आगे के तीन पैराग्राफ बचे हैं उनका व्याख्या सहित, शब्दार्थ सहित उनका आपको व्याख्या रहेगी,
और उससे संबंधित आपको हम शिल्प सौंदर्य उसके अंतर्गत क्या क्या है वो बताएंगे। साथ ही उसमें पूरी कविता में, क्योंकि तब हमारी कविता पूरी होगी, पूरी कविता में हमारे अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न, साथ में काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न और जो बोधन संबंधित प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझिए। धन्यवाद।